अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें नहीं है तो जिंदगी के हर चरण में तुम रोग लाइफ इज अ फेस्टिवल फॉर पीपल सीमित वाली नहीं हो रही कि दरोगा दरोगा हो हो जाए वही नहीं पा रहा है एसपी तो बहुत दूर है वो जो छोटी छोटी है वो वाली नहीं हो रही है भगवान लेखपाल में भर्ती करा दो वो नहीं हो कहें अब जितने लोग सिर्फ इसकी चिंता कर रहे हैं उनका कुछ हो ही नहीं रहा है इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी चीज का परिणाम है जिस दिन कोई माई का लाल भगवान को खतरे में डाल देगा तो वही भगवान हो जाएगा क्यों नहीं पूरी होती वही इच्छाएं ट्राई कर लो कुछ बोलो ऐसे ही कौन तुम्हें मारने जा रहा फाइन लेने जा रहा है सीमित वाली नहीं हो रही कि दरोगा हो जाए चपरासी हो जाए वो वाली नहीं हो रही है वो वही दरोगा नहीं हो पा रहा है एसपी तो बहुत दूर है पहले दरोगा तो हो वो जो छोटी छोटी है वो वाली नहीं हो रही है बड़ी तो खैर छो जाने दो थो। छोटी वाली भगवान लेखपाल में भर्ती करा दो वो काहे नहीं हो रही है चलो बड़ी नहीं हो रही समझ में आ रहा है मर्सिडीज नहीं खरीद पा रहे है समझ में आ रहा है एल एट हंड्रेड इस दुनिया में सिर्फ उनकी इच्छाएं नहीं पूरी होती जो कार्य कारण का सिद्धांत नहीं जानते सबसे प्यारा सिद्धांत है कारण का सिद्धांत बुद्ध ने दिया था थ्योरी ऑफ कॉसेशन प्रतित समुत्पाद इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी चीज का परिणाम है जैसे शक्ति का परिणाम है धन अगर कमजोर के पास आ भी गया तो छीन लिया जाएगा गलती से अगर आ गया मतलब अगर एक छोटा सा बच्चा पंद्रह बीस गड्डी पांच सौ वाली लेके टहल रहा है तुम्हारे तो छीन ही लेंगे लोग शक्ति का परिणाम है धन लोग क्या कर रहे हैं इसकी चिंता किए जा रहे हैं इसके बारे में सोचे जा रहे हैं इसके बारे में रो रहे हैं परेशान है इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं समझी समझ में आई ना कार्य कारण का सिद्धांत इस दुनिया में हर चीज का कोई कारण है तो जो चीज तुम्हें चाहिए उसका पता करो ये किसका कारण है किससे आता है ये नहीं समझे बात क्लियर हो गई ना हाँ अगर तुम इसकी चिंता करने लगो ये अपने आप आ जाए नहीं आए अपने आप इसी को गीता निष्काम कर्म कहती है इसी वो कहती है वो इस दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है तुम्हें जो भी चीज चाहिए जो भी पता कर लो ये किसका परिणाम है जैसे तुम सिलेक्शन चाहते हो सिलेक्शन अगर चाहते हो कि मेरा किसी जगह सिलेक्शन हो जाए तो पढ़ना नहीं है इस बात को मैं पूरी दुनिया में ज्यादातर भारत में ही चिल्ला रहा हूं बाहर वाले तो समझ गए कि मास्टर वा क्या कह रहा है यहां वाले बेचारे दिक्कत में हैं अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम इसकी चिंता मत करो तुम ये पैदा कर लो अंतरदृष्टि सिलेक्शन इसका परिणाम है अब तुम्हारी अगर यह काम कर रही होती तो तुम अब तक कम से कम दो चार बात तो ईरान के बारे में जानती ही जानती इनर सेल्फ काम कर रहा होता ना तुम्हारा मतलब तुम्हें कोई बाहर से कंपेल नहीं करता कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी फेलियर है हम अपनी पढ़ाई में हम अपनी पढ़ाई की व्यवस्था में बच्चों के अंदर यह चाप नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि वो पढ़े हमारी पढ़ाई व्यवस्था का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कोई पढ़ना ही नहीं चाहता सबको नौकरी चाहिए पढ़ना क्यों नहीं चाहता क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में मजा क्यों नहीं आ रहा है चीजें दिख नहीं रही, रही हैं रखना पड़ रहा है बात समझ में आ रही ना अगर चीजें दिखाई पड़ने लगे तो मजा आने लगे मजा आने लगे तो आदमी खुद ही बैठ के पढ़े लेकिन जब चूंकि चीजें विजुअलाइज नहीं हो रही हैं तो विजुअलाइज नहीं हो रही तो कनेक्ट नहीं हो रही कनेक्ट नहीं हो रही तो समझ में नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा लेकिन हैं, हम है हम लोग मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के साथ साथ हम सबका अपना ईगो है फ्रिज बनाने नहीं जाएंगे यार हमारे बाबा जो है ना आरबीआई में काम करते थे तुम हम तो भिखमे हैं अब देखो बड़े दिक्कत क्या है एक तो पढ़ाई मजा नहीं आ रहा है मैकेनिकल काम करेंगे नहीं अब दो ही तीन रास्ता होता और कोई रास्ता ही नहीं और भर्ती चल रही है उसमें तगड़ी वाली तगड़ी वाली भर्ती चल रही है आजकल तो बढ़िया भर्ती चल रही क्या खतरे में हो तुम जी जी बहुत खतरे में है जिस दिन कोई माई का लाल भगवान को खतरे में डाल देगा तब तो वही भगवान हो जाएगा जिसकी क्रिएशन का पता ही नहीं ये दोनों साइड कोने ब्रह्मांड के कहा हैं किसी को पता ही नहीं एक दूरी के बाद हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि उस तरफ है क्या लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि तो दिमाग मरे हुए हैं ये नहीं है ना ये तुम्हारी इच्छा नहीं है पढ़ने की तुम बस मजबूरी में बैठे हो पैसा दे दिए हो घर पे रहोगे तो घर वाले चरस किए रहेंगे सिबहाने कम से कम दो चार घंटा मन शांत है दुनिया में जितने महान लोग बने उनके पास यह था कोई भी एक नाम उठा लो तुम कोई भी ये है ये इस पे वो काम कर रहे हैं जब इस पे काम कर रहे हैं हो रहा है प्री निकलना मेस निकलना किताब समझ में आ रही मजा आ रहा है अब जितने लोग सिर्फ इसकी चिंता कर रहे हैं उनका कुछ हो ही नहीं रहा है बातों को समझ में आई इस पे काम नहीं करना है ये तो बाई प्रोडक्ट है इस पे काम करना है नहीं समझे समझ गए ना इसीलिए जितने लोगों के पास शक्ति है और इनसाइट है अंतर्दृष्टि है ये संकट को बहुत प्यार से सामना करते हैं इनको लगता भैया मजा आ गया अवसर आ गया भैया अब कुछ कांड करेंगे भगवान की इतनी बड़ी लीला कि जब हम कोचिंग खोले तो सबसे बड़ी बात दिक्कत हुई कि एड कैसे करेंगे अपने आपे करा दिए मेरा कम से कम पंद्रह बीस करोड़ रुपया खर्चा होता सिर्फ ये बताने में कि अब दो क्लासेस दिल्ली में खुल गई जो आए वो पूछे आपकी कोचिंग जी मैंने कहा भैया बेसमेंट में आई नहीं अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें नहीं है तो जिंदगी के हर चरण में तुम रोग, और किसी ना किसी से गल गड़गड़ाओगे कि भैया हमको बचा लो हमको रास्ता दिखा लो कुछ नहीं होगा इतनी आसान थोड़ी होती है जिंदगी जिंदगी लेकिन है बहुत आसान और बड़ी मजेदार लाइफ इज अ फेस्टिवल फॉर वाइस पीपल मैंने भी तीन चार दिन पहले फोन मेरा बाहर रखा मैं बताऊंगा कोई ग्रीक वो है कि लाइफ इज अ फेस्टिवल फॉर वाइस पीपल तुम बस डायरेक्शन गलत पकड़ लियो धन के पीछे भाग रहे हो स्त्री के पीछे भाग रहे हो पुरुष के पीछे भाग रहे हो सब बाई प्रोडक्ट है तुम बस शक्ति के पीछे भागो शक्ति आई ये सब बाई प्रोडक्ट है बाई अपने आप आएंगे तुम सोच रहे हो मेरे रिश्तेदार मेरी इज्जत नहीं कर रहे किसी की नहीं करते रिश्तेदार और बने किस लिए है इज्जत करने लगे तो रिश्तेदार कहां रह जाएंगे अगर ये इज्जत किए तो रिश्तेदारी नहीं कहलाएंगे